प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये संसार स्वप्नमयी जिसका मूल ही नीम निराकार है, इन संसार को छोड़कर अपनी आत्मिक नजर को निज घर की ओर लेकर चलते हैं, परम धाम की गलियों में रमन करते हैं, यमुना जी में झीलना करते हैं, दोनों पुलों के मध्य सातों घाट जल रोज पर तिहोरियों की शोभा और पाठ घाट की अनुपम शोभा, कील पुल बट पुल की शोभा आमने सामने सुंदर शोभा झलकार करती हुई। इन दोनों पुलों को छोड़ के आए आगे चलिए जब, तब एक चबूतरा एक मोहल एक ठोर आवे तब, दोनों बाजू दरखत यहां से चली जब नोर, सुख्वाब चिमी जुबा जूठी क्यों कर कहूं जहूर। केलपुल और बटपुल को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर, तो यमुना जी की दोनों पालों पर क्रमशः एक महल एक चबूतरा, कुल पांच महल चार चबूतरों की शोभा आई है। और यहां जब आते हैं तब देखते हैं यमुना जी के दोनों ओर पाल के बाहरी तरफ पुखराजी रोंस पर नूर में वृक्षों की दो हारे आई हैं, जिन्होंने जमुना जल पर अपनी शीतल छाया की है। जमुना जल के जल चबूतरे तक नूरमयी शीतल छाया। इन नूरमयी शोभा को विस्तार से देखते हैं सतगुरु महाराज श्री जी जोहर दास महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से, पेज नंबर 209 पैराग्राफ 5 मोहल चार चबूतरे। बट के पुल के नृत्य कोने से लेकर श्री जमुना जी के अगिन कोना तक पाल पर पांच मोहल चार चबूतरे आए हैं, जैसे केल पुल के उत्तर तरफ आए हैं, इसी माफक है, कोई अंतर नहीं है। बट पुल के नृत्य कोने से लेकर यमुना जी के अगिन कोने तक पांच मोहलों की शोभा आई है, पांच मोहलों के मध्य चार संदे जिनमें चबूतरों की शोभा हुई, ठीक इसी प्रकार की शोभा केल पुल के उत्तर तरफ आई है, सभी शोभा समान आई है, कोई अंतर नहीं है। कोना पर चार मोहल आए हैं, एक पश्चिम की पाल पर, दूसरा पूर्व की पाल पर, दो मोहल दक्षिण की पाल पर आए हैं। इन मोहलों पर चार मेहराबे आई हैं, जिनमें चार हिंडोले आए हैं। दो हिंडोले जल पर और दो हिंडोले पाल पर आए हैं। चार हिंडोलों की ताली जल पर पड़ती है, माने श्री जमुना जी के ईशान कोने की तरह आए हैं। कोना पर चार मोहलों की शोभा आई है, एक मोहल पश्चिम की पाल पर, एक मोहल पूर्व दिशा की पाल पर और दो मोहल दक्षिण तरफ की पाल पर आए हैं। इन एक मोहल की शोभा देखते हैं, 250 मंदिर की पाल है, तो उनके तीसरे हिस्से में 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, चबूतरे पर एक मोहलार। प्रत्येक दिशा में देखेंगे तो ठीक मध्य में बड़े दरवाजे की शोभा, दाएं बाएं मंदिरों की शोभा। भीतर जाते हैं तो एक थम की हाथ दो गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर पशम गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा। चबूतरे की चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हैं, चबूतरे की किनार पर थम, इन पर एक छत हो गई, छत पर देवरी कलर गुम्बद ध्वजा पताका की शोभा, इसी प्रकार से मोहलों की शोभा आई है। कोना के जो चार मोहल हैं, इनमें हिंडोलों की शोभा आई है, नूरमयी हिंडोले। जो पश्चिम पाल पर मोहल है और पूर्व पाल पे जो मोहल है, इनकी मेहराबों पे एक हिंडोला जल पर आया, इसी तरह से
पश्चिम पाल और दक्षिण पाल के ऊपर जो मोहलात है उनके बीच में एक हिंडोला जल पर आया। तो दो हिंडोले तो जल पर और दो हिंडोले पाल पर आते हैं। इन हिंडोलों की ताली जल पर पड़ती है। चार हिंडोलों की ताली जल पर पड़ती हुई सुंदर शोभा। बटपुल से लेके मरोड़ तक पांच मोहलातों की शोभा। पांच मोहलातों के मध्य चार संधि जिन पर चार चबूतरों की शोभा। चबूतरे भी देखिए तो 83 मंदिर के लंबे चौड़े। चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां नूरमय का ढेरा चबूतरे पर सुंदर बैठ के। और बड़ो वन के वृक्ष जो पाल के बाहरी तरफ आए हैं उन्होंने इन मोहलातों के ऊपर से जलोढ़ के जमुना जल के जल चबूतरे तक अपनी शीतल छाया की है। पुखराजी रोज के पेड़ पाल पर एक मोहल, मोहल की शोभा, चबूतरे की शोभा। मरुड़ पर चार मोहलाते जिनमें हिंडोले, जल पर चार हिंडोलों की ताली पड़ती हुई। श्री जमुना जी दक्षिण दिशा में बहती हुई बट घाट वो बट पुल को पार करके जब आगे बढ़ती है तो वहां पर क्रमशः एक मोहल एक चबूतरे की शोभा मरोड़ तक आती है। यमुना जी के दोनों तरफ कमर भर ऊंचा जो चबूतरा आया है जिसके ऊपर एक महल एक चबूतरे की शोभा क्रमशः आती हुई वो बाहरी तरफ पुखराजी रोज पर वनों की शोभा। बट पुल के आगे से यमुना जी के दोनों तरफ पाल पर आई जो महल है उन महलों में हिंडोलों की शोभा आई है। चार चार महलों के मध्य में चौक बने हैं जिनकी चारों दिशा में चार हिंडोले दो हिंडोले वन पर दो हिंडोले हिंडोला की ताली पड़ती है। यहाँ पर आप शिरा जी श्यामा जी और सखिया आनंद विहार करने आते हैं। पाल के किनारे बाहरी ओर देखते हैं तो रेत के ऊपर सुंदर वृक्ष। इसी प्रकार यमुना जी के दोनों तरफ की पालों की शोभा। यह संध्या के समय आप शेरा जी श्यामा जी और सखिया जीना करने आते हैं। मोल बने चबूतरे पर डोरी बंद किनार दरमियान पड़ा चबूतरा चित्र खादी करे बिहार। आई ऊपर छाया दरखत दो किनारे डोरी बंद जहां लो मरोड़ खाइया ए तहां लो कई सनम। श्री जमुना जी के दोनों किनारों पर जो कमर भर ऊंची पाल आई है उन पाल पर भटपुर से लेके मरोड़ तक क्रमशः एक महल एक चबूतरे की शोभा आई है। जमुना जी के दोनों किनारों पर आए महल और जल चबूतरे पर पुखराजी रोज के वृक्षों ने शीतल छाया की है। ऐसी शोभा मरोड़ तक आई है। जहां अग्नि कोने पर यमुना जी मूर्ति है वहां चारों कोनों में चार महल शोभायमान है जिनके मध्य चारों दिशाओं में चार हिंडोलों की शोभा है। इनमें से दो हिंडोले वनों की तरफ शोभायमान है और दो हिंडोले जल के ऊपर है। चार हिंडोलों के मध्य जल पर चौक बन गया है। ये शोभा अति सुंदर जब शिराजी श्यामा जी और सखिया रंग मेल से यहाँ आते हैं तो अनेक प्रकार से रमन करते हैं। उनके सुखपाल यहाँ पाल पर उतरते हैं। सभी सखियों के सुखपाल और शिराजी के सुखपाल को घेर कर चारों ओर उतर जाते हैं।
सुंदर स्वरूप धनिए का चले लटकनी चाल, रूही इन गत दीप की होते अति खुश। धाम धनी का अति सुंदर स्वरूप, श्यामा जी का नुरानी स्वरूप, वे लटकनी मटकनी चाल से चल रहे हैं। सखियां उनकी इन अदा पर प्रसन्न हो रही हैं। इन समय के अलौकिक सुख जो सखियां प्रेतम धनी के संग लेती हैं, इन महलों में चबूतरों में शिवराज जी के नजदीक जाकर सखियां उनसे प्रेम भरी बातें करती हैं। कोई सखी अन्य सखी को खींचते हुए वन की तरफ जाती है, तो कोई सखी पशु पक्षियों के संग खड़ी है। पशु पक्षी अनेक प्रकार के खेल तमाशे करके सखियों को ले जाते हैं। उनके मन में हर पल यही चाह कि मैं